नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं वंडर शेफ टर्बो चॉपर का रिव्यू करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये। आजकल फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है। फ्लिपकार्ट पर ये अच्छे डिस्काउंट में था। खरीदने से पहले मैंने इसके काफ़ी रिव्यू पढ़े। पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने पर इसमें मिला है एक वारंटी कार्ड और एक पंपलेट जिसमें वंडर शेफ के अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं। बॉक्स के अंदर एक और वाइट बॉक्स है वंडर शेफ टर्बो चॉपर दो नीडल अटैचमेंट के साथ। चॉपर को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। आपको पता ही होगा वंडर शेफ एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। वंडर शेफ टर्बो चॉपर एक मैनुअल डिवाइस है, इसे यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। बॉक्स में से सारे अटैचमेंट को बाहर निकाल लिया है। चलिए बताती हूँ ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल निर्मल स्मार्ट किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं आपके लिए किचन यूज़फुल टिप्स और रिव्यू लाती रहती हूँ। ये देखिए, ये चॉपर का जार है। जार अच्छी फूड ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ है। जार में लिक्विड बैटर डालने के लिए नोब भी बनी हुई है, जिससे बैटर किसी दूसरे बर्तन पर आप आसानी से डाल सकते हैं। नीचे एक रबड़ की रिंग भी बनी हुई है, जिससे ये किचन काउंटर पर स्लिप नहीं होता है। ये चॉपर का हैंडल है, जिसे आप आसानी से अटैच कर सकते हैं। सफाई करते हुए इसे आसानी से हटा भी सकते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। ये है चॉपिंग ब्लेड, जिसके तीन विंग्स हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और काफ़ी शार्प है। ये विस्कर है, इसे आप चिल्ले का बैटर बना सकते हो, रायते के लिए दही को फेंट सकते हो, इसमें आप कड़ी का बैटर भी बना सकते हो। ये है डो नीड अटैचमेंट, इसमें आप बिना हाथ लगाए आटा गूंद सकते हो। बहुत अच्छा आटा गूंद कर तैयार होता है। ये है चॉपर का लिड, जो प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें लॉकिंग का सिस्टम है, जो यूज़ करने पर नहीं हिलेगा। इसे अटैच करते हैं। जार में चॉपिंग ब्लेड को सेंटर में रखें, ऊपर से लिड को लगाएं, थोड़ा घुमाकर इसे लॉक कर दें। ये है घुमाने वाला हैंडल। लिड में दो होल दिए गए हैं। सेंटर में जो होल है ये है फर्स्ट गियर और जो दूसरा होल है उसे फोर्थ गियर कहते हैं। पहला गियर पावर के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा गियर स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। ये है स्लाइसिंग ब्लेड, जिसे आप स्लाइसिंग, शर्डिंग, जूलियन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस स्लाइसिंग ब्लेड में तीन अटैचमेंट है, जिससे आप मोटा या पतला स्लाइस कर सकते हैं। जूलियन बनाने के लिए इस अटैचमेंट को, जिसमें देखिए छोटे छोटे ब्लेड लगे हुए हैं, ये जूलियन के लिए हैं। अगर आपने स्लाइसिंग करने हैं तो इस अटैचमेंट को सीधा रख दें। आइए इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, इसे चॉप करके देखते हैं। जार को वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने चॉपिंग ब्लेड को लगाकर एक प्याज के चार टुकड़े डाल दिए हैं। ऊपर से लिड को घुमाकर लगाएं और लॉक कर दें। इसे मैंने पहले फर्स्ट गियर में रखा है, क्योंकि हम इसे पहले फर्स्ट गियर में चलाएंगे, जो कि सेंटर में है। फर्स्ट गियर जो स्लो चलता है, इसमें आप प्याज के मोटे मोटे टुकड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में प्याज मोटा मोटा कट हो गए हैं। अभी ये फर्स्ट गियर में है। अब इसे हम फोर्थ गियर में डालते हैं, जिसमें प्याज फाइन चॉप हो जाएंगे। जितनी आपको फाइन चॉपिंग चाहिए उतनी देर चलाते रहें। ये मैंने प्याज की फाइन चॉपिंग कर ली है। देखा आपने, हमने इसमें एक प्याज की भी अच्छी तरह चॉपिंग कर ली है। साइज़ में बड़ा होने पर मुझे लगा था कि शायद ये काम नहीं करेगा, मगर बहुत अच्छी चॉपिंग हुई है। इसमें आप पराठे के लिए गोभी गाजर की भी चॉप कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में अच्छी चॉपिंग हो जाती है। जब आप इसे फोर्थ गियर में चलाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइट होगा, लेकिन बाद में ये लूज होता जाएगा। आप इसमें आधा केजी ओनियन एक साथ काट सकते हैं। चलिए अब दूसरे अटैचमेंट को यूज़ करके दिखाती हूँ। स्लाइसिंग ब्लेड से स्लाइस करेंगे। इसमें हम सैलेड की स्लाइसिंग कर सकते हैं। जार के सेंटर में स्लाइस अटैचमेंट को लगा दिया है, ऊपर से लिड को लगाएं। अब स्लाइस करते हैं। आलू को अच्छी तरह वॉश कर लिया है मैंने, इसका छिलका नहीं उतारा है। आप चाहें तो छिलका उतार कर यूज़ कर सकते हैं। लिड के होल में से आलू को डालें और हैंडल को घुमाएं। देखिए कितनी पतली स्लाइस हुई है।
आलू के जूलियन करके दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर के 3 अटैचमेंट को ऐसे दबाकर उल्टा कर लें। ऊपर से लिड लगाकर साइड में आलू को डालें। ऊपर के साइड के होल में ढक्कन से आलू को पुश करें। हैंडल को घुमाते हुए काफ़ी मेहनत लग रही है और ऐसा करते हुए चॉपर का जार भी हिल रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद जूलियन तैयार हुए हैं। मुझे ये अटैचमेंट कुछ खास नहीं लगा है। जार को पानी से धो लिया है। अब विस्कर का यूज़ करके दिखाती हूँ। अटैचमेंट को लगाएं, बेसन और मसाले डालकर चिल्ले का बैटर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घुमाएं। जो काम हम इस स्टील के विस्कर से करते हैं वही काम ये अटैचमेंट करता है। कुछ ही सेकंड में चिल्ले का बैटर बनकर तैयार हो गया है। एक भी लम्स नहीं है। अब ये डो नीडल का पार्ट लगाकर आटा गूंथते हैं। जैसे कि बॉक्स पर स्पेशली मेंशन है, टर्बो चॉपर डो नीडल अटैचमेंट के साथ। आज हम इस अटैचमेंट से मिसी रोटी का आटा गूंथकर तैयार करेंगे। 1 कप आटा, 1/4 कप बेसन को डाल दिया है। थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल दी है। ऊपर से लिड लगाकर साइड से ढक्कन खोलकर 1/4 कप पानी डालें। जैसे हम हाथ से आटा गूंथते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, वैसे ही इसमें भी हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आटा गूंथ रहा है और एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। टोटल इसमें मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। देखिए कितना सॉफ्ट मिसी रोटी का आटा बनकर तैयार हुआ है। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। बाय बाय।